ये तस्वीरां जिहड़ियां ने उह सामने आ रही ने, दस दईए कि मेयर की कुर्सी से जरूर मनोज सोनकर नूं बिठा दिता गया है, पर आम आदमी पार्टी वड्डे सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। बिल्कुल ही धक्केशाही हुई है। उस तो बाद हाई कोर्ट का रुख होएगा। 12 वोटा अलायंस नूं पईआं ने, 8 वोटा इनवैलिड मनिया गई ने। इसे नूं लैके सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो प्रिजाइडिंग अफसर ने उन्होंने वोटा से सीधे भाषा च उन्होंने कहा कि काटे माटे मारे ने, क्यों पेन चलाया है, जबकि वह अजिहा नहीं कर सकते से। और एक होर सवाल सब तो पहला उन्होंने चुकया है कि साढ़े जड़े कह सकते हैं मुखी ने इलैक्शन दे, और क्योंकि बकायदा एक पार्टी के बनाए गए थे तो उन्होंने उत्थे नहीं खड़ाया गया, जबकि यह सीधे तौर पर लीगली अजिहा हुंदा है और जो हाई कोर्ट दी डायरेक्शन सन उसके मुताबिक बिल्कुल भी यह ट्रांसपेरेंसी के चोड़ नहीं हुई है। सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी से कि धक्केशाही की गई है, क्योंकि साड़ियां सीधिया वोटा 20 सन और उसके 8 कैंसल हुई ने। हालांकि ये उन्होंने कहा कि सानू बाद भी यह साफ नहीं किया गया कि आखिरकार क्यों अजिहा होया, तो बहुत वड्डे इल्जाम और लगातार नजर बनी हुई सी, हर एक यही उड़ीक सी कि आखिरकार की कुछ अज जे इलैक्शन के नतीजे ने होंगे। पर इस वे सीधा रुख करते हैं मनोज, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, गुरजोत हंगामा हो चुका है। अलायंस कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी काउंसलर हैं उन्होंने वालों साफ तौर पर किया जा रहा है कि साढ़े नाल धक्का होया है, तो असी यह नहीं असी नहीं सहांगे, असी इनू भी चैलेंज करांगे। और तुसी वेखो कि अंदर काफी ज्यादा हंगामा होया और कोशिश यही है कि किस तरह की जी इन्होंने पूरा साइन किए गए ने और उसके भी क्रॉस किया गया, बहुत सारी चीजें जिसनों लैके हुण हंगामा किया जा रहा है, अंदर भी हंगामा चल रहा है। लेकिन ये दो तीन चीजा जरूर ये अहम ने कि आखिर हुण हालांकि तुसी तस्वीरां वेखो कि हुण हंगामा करते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के काउंसलर, हुण हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरां तुसी वेखो, किरण खेर है, उन्होंने असं गलबात करने की कोशिश करांगे क्योंकि किरण खेर हालांकि कुछ भी गलबात करते नहीं नजर आ रहे किरण खेर नूं हुण लैके जाते हुए। और बिल्कुल सीधिया तस्वीर ने मनोज दिखा रहे हैं सानू, किरण खेर कुछ नहीं बोलते नजर आ रहे। इनका सिर्फ 12 वोट है, 12 ओनली 12 बीजेपी की वोट भी हमें आई है। दोबारा आप कोशिश करांगे गलबात करने की, क्योंकि हालांकि उन्होंने वालों किसी भी तरह के कोई जवाब नहीं दिता गया। कुलदीप टीटा ने, कुलदीप टीटा जी ने, टीटा साहब तुसी किस तरह वेखते हो सारी चीजा नु, तुसी भी कैंडिडेट सीगे अलायंस दे, लेकिन जेडी भी चीजा होया इल्जाम लाया दे, आपने सभी ने देखा ही है कैसे इन्होंने धक्केशाही की है, हमारी 8 वोट इनवैलिड कर दी है और हमें बताया तक नहीं गया, दिखाया तक नहीं गया कि हमारी वोटें क्यों इनवैलिड की गई हैं। और अपने आप ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन पे मार के निशान मार के अपने आप ही उसे कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा है कि वो रिकॉर्डिंग में कैसे मतलब निशान लगा रहे हैं हमारी वोटों पे। रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति भाई पार्टी हाईकमान देखेगी कैसे करना है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, जैसे भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसके रिकॉर्डिंग करते हैं बाद आगे। ठीक पार्टी, तो बिल्कुल हाईकोर्ट दोबारा जाने की गल की जा रही है। हालांकि किरण खेर किसी भी तरह कोई भी गलबात करते नहीं आए, उन्होंने मेयर ऑफिस के लैके जाया गया, तो हूँ कोशिश करांगे होर भी जिहड़े काउंसलर्स ने बीजेपी के नाल कांग्रेस के होर कई काउंसलर्स ने जिन्हों के नाल असीं गल करांगे, कोशिश करांगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हुण जरूर घेरन की कोशिश की है, किरण खेर नूं घेरन की कोशिश की गई सी, लेकिन किरण खेर नूं अंदर मेयर ऑफिस के विच ले जाया गया। हालांकि हंगामा जरूर किया गया और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साडे नाल धक्काशाही हुई है। और सारे बैलेट पेपर के पीछे मार था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी, जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया, जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शर्म धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ये शर्म बीजेपी ने देखा कि हम अभी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके से डिस्कस करके जैसा भी वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे।
मेरे ख्याल नाल दलजीत जी तुहानू भी बहुत लंबा समय हो गया है, पर मैं एक गल तुहानू कहना चाहता है कि तुसी ये नोट करो कि ये जिहड़ी इलेक्शन होए है ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन दे नाल होए है। हाई कोर्ट की डायरेक्शन, हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जा तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बंद हूँ क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा देंगे, ठग बंद। बीजेपी सरकार, सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए। सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टिक लगाए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे है, कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, 3 बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा, 2 बार साइन कौन करता है? हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, क्यों दें हम जब सरे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरे हम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे? 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है, इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिए, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉरपोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉरपोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना, तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? एक नई ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आते हैं बेचारे, वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। आप निकलवाइए वीडियो, अगर उसमें हमारी 24 वोट ना हो ना, मैं काउंसिल अपना छोड़ दूंगी। मैं सरेआम देखी है मैंने 3 बार, वार्ड नंबर 23 प्रेमलता, हाई कोर्ट जाएंगे। और जब हमारे मनोहर जी ने सारी वोट हाथ में उठा ली, और जब मैंने बाग के हाथ में से लिया, तो एक यहाँ पर अंदर मार्शल है, उन मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा के हाथ में नीचे से पकड़ाई। क्या मार्शल भी इन्हीं के उसारों पे जीतते हैं? क्या वो उन्हें खाने को देते हैं? तो एक जॉब करता है कोई, जब पुलिस वाला होता है कोई भी हो, वो तो जनता का सबका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, खुद मेरे हाथ से छीन के और मार्शल ने नीचे से पकड़ाए हैं सारे के सारे। भाई जो खड़ा होता है सामने लेके आओ, इतने खड़े हैं तो अगर झूठे नहीं दे उसमें जाके मुर्दा